अंगारा, ये दुम्बे का नर जो होता है ना उसमें पकता है। ये भाई ये जो है ना ये मक्खन की तरह का है ना, रशिया से ये रेसिपी आई थी भाई यहाँ पे, और रशिया में आपको पता है कि माइनस टेम्परेचर होता है। आग बहुत बढ़ गई है भाई, ये देखो भाई ये आ रहे हैं कबाब, ये कबाब आते जा रहे हैं, पार्सल होते जा रहे हैं। मौसम आपने देख ही लिया बाहर के कैसा हो रहा है, और ऐसे मौसम में ऐसा सूप मिल जाए तो फिर मज़ा दुबाला हो जाए। मदीना टिक्का कॉर्नर एंड ग्रीन हट, और इस पे क्या है, मटका रोश है, मटका रोश। ये जो पेशावर के सारे स्पेशल खाने हैं ना यहाँ पे, वो सारे तैयार हो रहे हैं तकरीबन यार, क्या और खुशबू ऐसी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उजिया तबारक, और भाई मैं मौजूद हूँ इस वक्त नौशेरा और पेशावर के बॉर्डर के ऊपर, और हम आए हैं सबसे पहले रामबेल कबाब हाउस। यहाँ पे पेशावरी कबाब मिलता है बहुत ही आला किस्म का, चार पांच पेशावरी कबाब यहाँ पे मशहूर है पेशावर में और पेशावर के गिर्द नवा में, उनमें से ये एक है। और आप देखें माशाल्लाह बड़ा लोकल सा माहौल है, रश लगा हुआ है। और इसके बाद हम जाएंगे, शियान भाई हमें यहाँ लेके आए, कहाँ जाएंगे इसके बाद, इसके बाद हम फिश टैंक में जाएंगे फिश। ये हमारे दोस्त हैं शियान भाई, यहाँ के लोकल, और उसके बाद हम कोई खास फिश है वो यहाँ से भी आगे है थोड़ा सा, इसको भी ट्राई करेंगे और देखेंगे और क्या होता है। तो फिर चले चले, ये देखें भाईजान आप, माशाल्लाह ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल बना हुआ है, सर्दी का सीन बना हुआ है, और यहाँ पे कबाब बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, ठीक है? यहाँ पे लोग खड़े हुए आग सेकने के लिए, सर्दी हो रही है ना, ये है बाबा जी, सर्दी हो रही है, सर्दी हो रही है। चैनल का नाम है स्ट्रीट फूड पीके, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और आप भी कर लें भाई, तो आज कर देंगे क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इतनी दूर मैं खड़ा हुआ हूँ अभी, आप ये देखें, और यहाँ पे जो है ना वो सर्दी का तोड़ है ये जगह, चपली कबाब यहाँ पे बनते जा रहे हैं, लोग आग सेक रहे हैं, अपने अपने ऑर्डर दिए हुए खड़े हैं, और ये चारपाइयों के ऊपर माशाल्लाह ज़बरदस्त सीन बना हुआ है। ये देखो भाई ये आ रहे हैं कबाब, ये कबाब आते जा रहे हैं, पार्सल होते जा रहे हैं। मैं अटक गया हूँ, आया हूँ पंजाब। अच्छा, कबाब लेने के लिए आया, खाली लेने के लिए स्पेशल। वाह जी वाह, ये देखो भाई कहवा जो है ना वो एक ट्रेडिशनल चीज है, और वो हर वक्त बनता रहता है यहाँ पे। ये देखें आप, ये कहवे की खुशबू आ रही है, इलायची भी डल रही है कहवे में, है वाह जी वाह। ये देखें आप क्या खूबसूरत सलाद है यार, आग बहुत बढ़ गई है भाई। ये देखो भाई ये आ गए हमारे कबाब, चपली कबाब, साथ में ये देखें आप ये सलाद, और ये इन्होंने दिए एक चटनी, ये है भाई राबेल के मशहूर कबाब। बिस्मिल्लाह करें शियान भाई, बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह करें, रोटी ले आएगा यार, खुशबू ऐसी आ रही ना, रोटी तो हो ना हो बगैर रोटी के ही जो है ना। ओ भाई सर्दी के अंदर बिस्मिल्लाह, मुँह में पानी आ रहा है मेरे तो अभी से आ रहा है, आपके आ रहा है कि नहीं बताना ज़रूर कमेंट्स में। बिस्मिल्लाह, भाई खत्म है चटनी के साथ, ट्राई करें इसका अलग टेस्ट है, थोड़ी सी चटनी चटनी के बगैर भी यार आले। ये सलाद में आप देखें, आप समझ रहे होंगे ये कीनू है, लेकिन ये कीनू नहीं है, ये लीमू और कीनू माल्टे के बीच की एक चीज़ होती है। और मैं गया था इस्लामिया कॉलेज, वहाँ पे इसके दरख्त लगे हुए, और मैं हैरान हो रहा था यार कि ये जो है ना ये कीनू कोई तोड़ नहीं रहा, तो मुझे बाद में पता चला कि ये बहुत खट्टा होता है, और इसको लीमू के मुतबादिल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ यहाँ से हम लेंगे, ये मज़ा आ गया भाई, नान भी आ गए यहाँ पे, लेकिन अभी हमें जाना है मछली खाने के लिए भी, तो ख़ास मछली है ये, वो सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ है, तो चपली कबाब खाते हैं फिर मछली खाने चलते हैं, बेहतरीन। सलाद भी साथ साथ ज़रूरी है क्योंकि सलाद हेल्दी है।
ये कितनी दूर है यहाँ से? ये बस 10 मिनट का रास्ता है। तो ये नौशेरा क्या लाता है? ये नौशेरा कहलाता है। नौशेरा में घूम रहे हैं इस वक्त हम। नौशेरा जीटी रोड के ऊपर आपको जगह जगह जो है ना वो रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं। सन्नाटा तो है क्योंकि हाईवे है, लेकिन साथ साथ जो है ना वो रेस्टोरेंट्स भी आते जा रहे हैं। अरे ये रिवर व्यू रेस्टोरेंट आ गया है, यहाँ भी बड़ी रौनक है। सरताज फिश कॉर्नर, ये बड़े ज़बरदस्त रेस्टोरेंट रस्ते में आए हैं भाई। इस तरह कराची के हाईवे पे ना उस तरह यहाँ पे भी रेस्टोरेंट बने हुए मज़ेदार। और यहाँ पे हमको शहान भाई के साथ सुभान भाई ने भी ज्वाइन कर लिया। भाई जान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत हैं। ये है फिश एक्सपर्ट, जिनके साथ आज हम फिश सेलेक्ट करेंगे। और बने कौन सी फिश खाएंगे हम? हम खाएंगे यहाँ पे रोहू। रोहू वो बनेगी किस तरह वो देखते हैं चल के, वो आपको अभी दिखाते हैं। सलाम अलैकुम चाचा, क्या हाल है? खैरियत? तारिक उस्ताद। तारिक उस्ताद, तारिक भाई जबरदस्त रोश जम्पो, जबरदस्त जबरदस्त बारबेक्यू। लेकिन अभी तो यहाँ पे थोड़ा सन्नाटा नजर आ रहा है। बस लेट हो गए ना यहाँ पर, लेट नाइट यहाँ पे। अच्छा हम लेट हो गए, देर हो गई है। असल में थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी है ना। ये देखो अभी 9:15 यहाँ पे जो है ना लोग खाना ईशा के बाद खा लेते हैं। ईशा हो रही है यहाँ पे 7:00, तो 8:00 के करीब जो है ना वो पीक टाइम होता है। हम आए थोड़ा लेट। ये देखें आप भाई, यहाँ पे ये दुम्बे भी लटके हुए हैं, यहाँ पे चिकन भी लटकी हुई है, बर्फ कूटी जा रही है सर्दी में। और ये रखी है मछली, वाह बर्फ में स्टोर की जा रही है मछली। इसमें मोटे दाने, ओ ये बड़े दाने, रहो ये सिल्वर, ये चेना, वो ग्रास है, ये ग्रास है, ग्रास ग्रास। मछली तोली जा रही है, ये 2 kg 100 g है। क्या हिसाब है? ये फिश अंगारा बनाना है, ये 1800 रुपए किलो है अंगारा। ये दुम्बे का लड़ जो होते ना उसमें पकता है। कढ़ाई भी तैयार हो रही है यहाँ पे। अच्छा वाइट कढ़ाई चिकन की, लाट वाला। चलो भाई चिकन में भी दुम्बा डाल दिया गया है माशाल्लाह, फिश में भी दुम्बा। ये देखें भाई मछली को जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने फैला के बना लिया है। इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त मसाला भी लगा दिया गया है। और अब ये दुम्बे की जो चक्की है इसको फैला के रख रहे हैं। ये मैंने पहले भी एक फिश अंगारा खाई है तरसकून में, वहाँ पे भी डिफरेंट तरीके से बनाई गई थी, यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। सुभान भाई आपने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी इनको? जी जी, ये तो हम एक्स्ट्रा में इनको कहते हैं कि भाई ये इस तरह एक्स्ट्रा जो है ना, देखिए लाट इसमें डालें, उसके साथ इसका टेस्ट अलग से आता है। क्योंकि ये मैंने पहले खाई थी उसमें उन्होंने इतनी नहीं लगाई थी, उसमें नहीं लगाई थी। ए भाई ये जो है ना ये मक्खन की तरह कटी हुई है, ये आपकी ये टमाटर और ये चीजें लगाई है ना इन्होंने, फ्राई करेंगे ग्रिल पे तो तब जो है इसमें जलेगी। सही बात है। रशिया से ये रेसिपी आई थी भाई यहाँ पे, और रशिया में आपको पता है कि माइनस टेम्परेचर होता है, और अभी यहाँ पे माइनस तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक सर्दी है, और ये मौसम है असल में ये वाली मछली खाने का। सुभान भाई जो है ना इनकी ये फेवरेट मछली है, और ये पेशावर से हम तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव करके आए ना, 1.25 घंटे की ड्राइव करके हम आए यहाँ पे खास तौर पे इस मछली के लिए। ये थोड़ा तेज आग पर हम बनाते हैं, इसके साथ चर्बी पर प्याज होते हैं। कोयलों के पास खड़े हो गए जो मज़ा आ रहा है ना अभी। अभी कितनी देर पकाएंगे इसको? 40 मिनट। ये फिश अंगारा भी बनती है और चिकन अंगारा भी बनती है, ये बन रही है चिकन अंगारा। ये प्रोसेस पूरा वही है, मसाला वही लगा है, बस फिश की जगह जो है वो चिकन आ गई है ना? हाँ बिल्कुल, मछली अंगारा, फिश अंगारा, ये चिकन अंगारा, चिकन अंगारा। मछली तैयार होने में लगेंगे 40 मिनट। तो भाई पीछे यहाँ पे दरिया है, और इसी के पीछे जो है ना सरताज फिश कॉर्नर के पीछे रिवर व्यू रेस्टोरेंट भी है, बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है। तो जब तक जरा वहाँ चक्कर लगाते हैं दरिया पे, ठंड तो बहुत हो रही है। अरे हाँ यार, वो देखें आप बत्तखे हैं, वो देखें आप जिस तरह दो दरिया के ऊपर लाइन से रेस्टोरेंट बने हुए ना, उस तरह वो पूरे आपको लाइट नज़र आ रही है, बड़े खूबसूरत खूबसूरत इस तरह इस रोड के ऊपर रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और शाम के टाइम बंदा आए यहाँ पे सनसेट से थोड़ा पहले, तो यहाँ पे अलग ही नज़ारा होगा। अभी तो अंधेरा हो गया,
यहाँ पे इनको चाहिए फ्लड लाइट्स लगाएं ताकि जो है ना वो दरिया पे रोशनी जाए, लेकिन बाहर सर्दी बहुत है, सब इंडोर बैठे हैं। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? गाजर का हलवा मिल रहा है जी जी, सर्दी की सौगात जी जी। वाह भाई वाह, देख रहे हैं आप कैसी सर्दी हो रही है यहाँ पे, और ऐसे में गाजर का हलवा। टाइम है मेरे ख्याल में शान भाई थोड़ा सूप हो जाए, सूप की तारीफ की है आपने अभी मुझसे आगे, इनको सूप ट्राई कर लेते हैं, सब सूप ट्राई करते हैं अंदर बैठ के, लेकिन या बाहर बैठ के? ये भाई यहाँ पे अंदर चल रहा है हीटर, वरना अभी तो ये जो है ना स्किन जमनी शुरू हो गई थी। ये स्पेशल सूप है, स्पेशल इसमें क्या स्पेशल है? पनीर है सर, मशरूम और चिकन। पनीर वेजिटेबल और चिकन, मशरूम मशरूम भी है, सही है, अच्छा होता है ये। हॉट एंड सॉर चिकन कॉर्न सूप या स्पेशल सूप, कौन सा स्पेशल सूप? दो स्पेशल ले, ये आ गया भाई सूप। भाई ये स्पेशल सूप है, इसमें वेजिटेबल्स हैं, ये आप देखें चीज़ है, और इसके अंदर मशरूम्स भी हैं और चिकन भी है। बिस्मिल्लाह, तो वाकई अच्छा है, बहुत मज़े का सूप, अच्छा है। सूप मज़ेदार है, 150 रुपये का एक बोल है ये सिंगल, फैमिली जो है वो 850 का है। हम ज़रा भाई की संगत में जो है ना वो मछली खाने आए तो हमने कहा सूप ट्राई कर ले, सूप अच्छा है यार। इसके अंदर से जो है ना बॉइलिंग की आवाज़ आ रही है, ये देखो पानी खत्म हो गया हमारा वाला। अच्छा इसके ये चिकन है, इसमें से जो है ना वो इसका जो पानी अपना पानी होता है ना टमाटर से जो पानी निकलता है उसके अंदर ये पक पक के फिर वो टेस्ट निकलता है। बाहर जो है ना भाई बड़ा ठंडक का माहौल है, यहाँ पे ये फर्शी नशिस्त है। आ गई फिश आ गई हमारी। ओह यार ये देखें घी कैसा पिघल गया इसका है, इसकी ये लम का जो है ना है। ओफो, इसको अभी मैं हाथ के हाथ इसको बिस्मिल्लाह करूं। ये जो फॉइल के अंदर जो है ना वो दुम्बे की जो चक्की है वो पिघल गई है। फिश पे तो अभी आए नहीं है भाई, इस तरह पिज्जे के ऊपर चीज़ होता है उस तरह ये इसके ऊपर एक लेयर बनी हुई है वाइट सी, बहुत ही चिकनी चिकनी फैटी फैटी सी ये मछली हो रही है। फिश के साथ टेस्ट करते हैं भाई, यार नेक्स्ट लेवल है ये तो। मैंने अभी इनसे कहा था यार मैंने फिश अंगारा अभी पिछले दिनों खाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो आप खाएंगे ना ये अलग ही होगी, और वाकई में ये इन्होंने थोड़ा कस्टमाइज भी इसको कराया, बहुत ही ज़बरदस्त। हल्का सा वो जो सिरके का और लाल मिर्च होती है ना कुटी हुई मिर्च, उसका मसाला बना के इसके ऊपर लगाया है, फ्रेश मछली ताज़ी और सर्दी का तोड़। आप टेस्ट आप ऐसे ही करके देखें कि आप टेस्ट किस रहा है, दुम्बे जैसा ही आ रहा है, लेकिन जो इन्होंने मछली का मसाला लगाया था ना, मछली का मसाला लगाया था थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी हल्की सी खटास वो इसमें भी आ रही है, मज़ेदार है यार। ये जो अंगारा फिश है ना आपको ये पेशावर में मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? दशहरा में मिलेगी बस, और इसके अलावा खास जगह है और रशिया में मिलेगी, इसके अलावा कहीं और बनती हो तो बनती हो, ना ही आपको कराची में मिलेगी, ना ही आपको लाहौर में मिलेगी, सिंध और पंजाब के किसी शहर में नहीं मिलेगी। क्वेटा में होती है तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्वेटा और पेशावर के खाने थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन भाई ये जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त, और असल मौसम इसका खाने का यही है, बेहतरीन। ये तो ज़रूरी है ना,
जी भाई, आज एक नया दिन है और हमें ज्वाइन कर लिया है सज्जाद अमान भाई ने। इनसे तो आप पहले भी मिल चुके हैं हमारी वीडियोस के अंदर। और आज दोपहर का खाना हम खाने के लिए कहाँ जा रहे हैं सज्जाद भाई? ये मदीना रेस्टोरेंट है रिंग रोड पे। और इनकी क्या चीज़ अच्छी है? मटन रोश का हमने मतलब ये काफ़ी तारीफ सुनी है, तो मटन रोश अभी हम ट्राई करेंगे। रात में तो भाई काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, और ये जो मटन रोश, फिश अंगारा, चपली कबाब, ये सारे खाने सर्दी का इनके में इनका मज़ा अपना है ना। बिल्कुल जबरदस्त। ये देखें भाई, ये पिशावर के नमकीन टिक्के जबरदस्त। और इसमें क्या है? मटका रोश है। मटका रोश, मटका रोश, देसी मुर्ग है, देसी मुर्ग है, देसी। अच्छा, देसी मुर्गे का भी है? हाँ, देसी मुर्ग है, स्पेशल है। और दाव वाला है, दुप वाला गोश है। ये फ्रेश बना हुआ ना, ये लहसुन है अंदर, मिर्चे भी हैं, और रोश की जो खुशबू आ रही है ना, बहुत ही आला भाई। अच्छा, ये क्या है? ये लेम लेके, इसके साथ लोग चावल भी डालते हैं। और लेम लेग, अच्छा, ये पूरा एक पीस होता है, ढाई केजी, दो केजी। कितने का होता है ये? ये तकरीबन 2500 रुपए किलो है इसका। अच्छा, ये 2 किलो है तो ये 5000 रुपए बना के। ओ भाई, बेहतरीन बन रहा है यहाँ पे तो माहौल। आज जुमे का दिन है असल में, और जुमे की नमाज के बाद थोड़ा सा फ्लो बनते बनते टाइम होता है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये रोज़ जो है ना ये तैयार रहता है, वरना लोग यूजुअली ऑर्डर पे बनाते हैं, यहाँ पे तैयार होता है। आप आएँ और ऑर्डर करें और आपको रोज़ मिल जाएगा। तो हम भी बैठते हैं और ऑर्डर करते हैं, है ज़बरदस्त सीन है। ये आ गया जी जी जी, सब्सक्राइब करें इसको। हाँ भाई, सब्सक्राइब कर लिया जी जी, बेल आइकन को भी दबा दिया ताकि आपकी हर नोटिफिकेशन वीडियो हमारे साथ। आप भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो भाई की तरह, क्योंकि सब्सक्राइब करना जरूरी है। थैंक यू, है ना जी जी, बिल्कुल। ये क्या है? ये नमकीन टिक्का। नमकीन टिक्का स्टीम वाला? स्टीम वाला। बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है, क्या बात है। मदीना फिश पॉइंट जिंदा मछली दस्तियाब है। अरे भाई, कहाँ है जिंदा, दिखाओ ना। दुम्बे की कलेजी, ये पट्टा टिक्का, पट्टा टिक्का, चर्बी इसके ऊपर घुमा देते हैं। हाँ, सही बात है, ये मजेदार होता है, क्या बात है यार। और ये देखो यहाँ पे, ये मलाई बोटी, ये चिकन बोटी, सीख कबाब, यार बहुत आला वैरायटी है यहाँ पे तो भाई। ये बटेर है। बटेर भी है जी, बटेर है। तो भाई बहुत आला सीन है यहाँ पे तो यार। ये हमारे साथ प्लेटरों में लोग शौक से खाते हैं ना, जो अपना अपना ऑर्डर देते कि हमारे लिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत आला हो गया सीन ये तो। काबली पुलाव, काबली पुलाव, क्या खुशबू आ रही है चावलों की यार, भाईजान जबरदस्त। ये तो स्पेशल कुक है, तकरीबन 15 साल हमारे साथ इधर दुकान पे, ये बहुत मजेदार चावल बना रहे हैं। बहुत आला चावल हो गए भाई, काबली पुलाव चावल को। ओहो, उधर कढ़ाई बन रही है, टमाटर वाली मटन कढ़ाई। ये मछली की बन रही है, मूंग की कढ़ाई। ये हमारे मुंबई मछली कढ़ाई बनती है, ये स्पेशल होता है और काफी लोग पसंद करते हैं। वाह, ये आ रहा है गोश्त। ये इतनी सारी कढ़ाई किसके लिए बन रही है? अभी तकरीबन 8 किलो, 8 किलो, 8 किलो ऑर्डर है, इस वजह से एक से बना लेते। देखिए वो वहाँ से माशाल्लाह रेस्टोरेंट शुरू हो रहा है और ये इस कोने तक जा रहा है। हर तरह की वैरायटी जो है ना वो इस रेस्टोरेंट पे आपको मिलेगी भाई, चिकन टिक्का हो या मटन हो या लैम हो या पुलाव हो या कढ़ाई, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ओ, ये तो बड़ा VIP सेटअप है, जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ जेंट्स हाल है। तो बड़ा VIP माशाल्लाह सेटअप है भाई, 7-8-6 नंबर भी लगे हुए कमरों के ऊपर। ये अपना अपना टेबल का नंबर है बस। बड़ा सर्दी भी हो तो आपको टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, दरवाजा बंद करके अंदर बैठ के आराम से खाना खाओ। वेरी गुड। अच्छा भाई, खाना आ गया हमारा, हमने मंगाए हैं अफगानी बोटी, बटेर और मटन रोश, जिसके लिए स्पेशली भाई ने हमें यहाँ पे रिकमेंड किया है। और सज्जाद भाई बिस्मिल्लाह करें, ये हमारा समझे एपेटाइज़र आ गया। ये तो भाई, ये पिशावर की जो है ना वो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपको यहाँ पे लंच टाइम के अंदर भी
ये सारे बारबेक्यू वगैरह के आइटम मिल जाएंगे। कराची में क्या है कि आपको ये जो आइटम खाने ना मोस्टली ये आपको रात में ही मिलते हैं ज़्यादातर। बिस्मिल्लाह। बेहतरीन। ये कभी इन्होंने अच्छा बनाया, अच्छा बनाया, हल्की हल्की ठंड है, धूप आ रही है यहाँ से, छत के ऊपर हम बैठे हुए हैं, गरम गरम टिक्के अफगानी है, माहौल बन गया भाई। दूसरी बात ये कि सुकून भी है, बहुत सुकून माहौल है इनका। ये आ गया भाई मटन रोश, खास आइटम। मटन रोश पे भी हम आते हैं, लेकिन पहले ये जो बटेर है ना ये ट्राई करके देखें। बटेर भी जो है ना वो सर्दी की एक ख़ास सौगात है। मुल्तान में मैंने देखा 100 रुपए की ज़िंदा एक बटेर मिल रही थी, यहाँ पे ये 600 रुपए की चार बटेरें हैं जो कि मुनासिब हैं। मसाला कैसा है इस पर ये देखते हैं। चिकन टिक्के टाइप का मसाला लगाया हुआ है, वही चिकन हल्का हल्का सा, हल्का सा स्पाइसी है जिसका चिकन टिक्के पे होता है ना। चिकन टिक्का खा रहे हैं लग रहा है। ये देखिए आप टेस्ट करते हैं खाली गोश्त। बिस्मिल्लाह। मटका रोश, आपने पहले ट्राई किया है यहाँ का रोश? यहाँ का नहीं किया। यहाँ का नहीं किया। अच्छा है। और यखनी जो है ना इसके साथ आप थोड़ा सा नान लें और इसके साथ खाएं। ये रोज भी अच्छा है, लेकिन मैंने दो रोज जो है ना मेरे हाईली रिकमेंडेड है। एक है कोयटा में शावली, उसका जो ऐसा रोज है ना वो एक 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 स्टैंडर्ड सेट हो गया है माशाल्लाह। और एक है हमारे घरों में कैफ़े इमरान। आप कभी कराची आइएगा इंशाल्लाह ताला तो आपको वो, तो ये वाला भी है, लेकिन जिस तरह थोड़ा सा जो है ना जैसे बिल्कुल बिल्कुल वो हो जाता है ना बिल्कुल रेजा रेजा वैसा ये नहीं है। वो वाला जो है ना वो बहुत आला, लेकिन ये टेस्ट में अच्छा मज़ेदार है। रोज कोयटा का है या पिशावर का है? ये दोनों का हो सकता है, दोनों का ही हो ना, लेकिन ये ट्राइबल का डिश है ना। वो जो रोज बनाते हैं शावली रेस्टोरेंट के ऊपर कोयटा में, वो हज़ारा बिरादरी के हमारे भाई हैं और वो बहुत ह्यूज बनता है। वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर ऊपर लिंक आ रहा है, उसको जाके देख लीजिए। ओवरऑल माशाल्लाह भाई बड़ा मज़ा आया, ख़ास तौर पे जो माहौल है मौसम है उसके अंदर तो अल्टीमेट सीन है। और सज्जाद भाई की मेहमान नवाजी माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह भाई, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। लहसुन कुछ है ना इसका बताएं तो इसको, हाँ। जो निकल आएगा ना गुदा वो ज़रा नान के साथ टेस्ट कर लें तो उसका जो है ना आपने एक टेस्ट है। असल में ये गोश्त के साथ ही अंदर ही पका लें। थोड़ी सी ये चक्की भी इन्होंने इस तरह दी हुई है, आलू भी होता है इसमें। हाँ, गार्लिक का बड़ा आला सीन है, बहुत यूनिक टेस्ट है इसका। मैं तो लहसुन को वैसे ही छोड़ देता था। नहीं नहीं नहीं, इसमें लहसुन तो जो है ना इसका अपना मज़ा है इसमें यार। लहसुन के अंदर बड़ा बड़ा ज़बरदस्त लगा, हाँ। यार वाकई जायका ही बदल गया ब्रोश का। ये जो लहसुन है भाई इसको आप इस तरह से जो है पिचका पिचका के गोश्त के साथ खाएँ तो ये चीज़ सज्जाद भाई ने बड़ी अच्छी बताई यार। हम तो हमेशा ऐसे ही छोड़ देते थे लहसुन को। वेरी गुड यार, ये आला चीज़ बताई आपने यार, ज़बरदस्त। भाई इस रूफ टॉप पे हल्की हल्की धूप में बैठ के खाना खा के बहुत मज़ा आया। और पिछली ट्रिप के ऊपर मैं गया था पिशावर के सदर बाज़ार, उसकी वीडियो यहाँ पे आ रही है, इसको क्लिक करके देख लीजिए। और अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर चलें।